देश के रक्षा वैज्ञानिक रात दिन स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत बनाने के साथ साथ रक्षा को भी ऐसा कार्य दे रहे हैं कि वो भी आत्मनिर्भर और स्वदेशी के उपकरणों को उपयोग में लाए। अभी हाल में ही रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने एक ऐसा कार्य कर दिखाया है जो भारतीय सेना को और मजबूती की तरफ ले जा रहा है। अभी हाल में ही सुखोई 30 विमान के माध्यम से रुद्रम 2 मिसाइल का जो कार्य परीक्षण सफलतापूर्वक हुआ है, वास्तव में बहुत ही खुशी की बात है। इस मिसाइल को जो है हवा से सतह में मार करने के लिए प्रयोग किया जाएगा और इससे भारतीय सेना और सक्षम होगी। भारतीय सेना को जो हमारे देश के युवा वैज्ञानिक और जो कर्मठ वैज्ञानिक नए नए चीज़ों की खोज करके सेना को सशक्त बना रहे हैं, वास्तव में बहुत ही खुशी की बात है। हमारा मिसाइल रुद्रम 2 जो ऐसा मिसाइल है जो वास्तव में लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ही सटीक पहुंचता है और अपने कार्य को बहुत ही कुशलता से इसको संपन्न करता है। ऐसे रुद्रम मिसाइल 2 के लिए भारतीय वैज्ञानिक, रक्षा वैज्ञानिक और देश के नागरिकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां कि जो हमारे भारतीय सैनिकों को हमारे देश के ये लोग स्वदेशी और आत्मनिर्भर के तरफ ले जाने में दिन रात मेहनत करके इसको प्राप्त करने में लगे हुए हैं। आइए हम अपने भारतीय सेना को बार बार सैल्यूट करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।